कृषि कानून के विरोध में कल यानी 18 फरवरी को किसानों का रेल रोको आंदोलन है। आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानून के विरोध में 18 फरवरी को 4 घंटे रेल ट्रैक जाम करने का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते करनाल पुलिस प्रशासन चौकस दिख रहा है। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन के चलते अपील करते हुए कहा कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों से आह्वान किया है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैलने दें। उन्होंने बताया कि जीआरपी की ओर से आंदोलन के मद्देनजर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने लोगों से आह्वान किया कि वह पुलिस प्रशासन की ओर से समय समय पर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से दी गई जानकारी से अपडेट रहें और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में बाधा ना डालें। अगर फिर भी कोई इस तरह की कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि करनाल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमने अभी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार घरोंडा पे इन्होंने धरना देने का आह्वान किया हुआ है। वहां पर हमने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। वहां पर 2 हमने कंपनियां पुलिस की डिप्लॉय की हुई है और साथ ही अन्य रेलवे स्टेशन जो करनाल की सीमा में आते हैं वहां पर भी हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हम जीआरपी के जो संबंधित जो थाना है उसके भी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी इनका आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से रहे, किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे और ना ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो कानून की अवहेलना की श्रेणी में आती हो। बिल्कुल, मैं जितने भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और कल के आंदोलन में जो भाग लेने में जो भी लोग आ रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से रखें। कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिससे आमजन को परेशानी होती हो या किसी प्रकार से हिंसा को बढ़ावा मिलता हो। हमें उम्मीद है कि सभी लोगों के सहयोग से ये जो भी आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई ये सामाजिक तत्व ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिससे आम जन को परेशानी होती हो या कानून की अवहेलना होती हो या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। प्रशासन का सहयोग करें और साथ ही रेलवे की वेबसाइट पे जो भी शेड्यूल जारी किया जा रहा हो उसको लगातार उस पर अपडेट करते रहें अपने आप को। पुलिस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके बावजूद भी लोगों से ये अपील है कि जो भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन पे लगातार जो जानकारियां मिल रही है प्रशासन की तरफ से उससे लगातार अपने आप को अपडेट रखें। उसे हम लगातार पहले से संपर्क में रहते हैं ताकि इस प्रकार से कोई बात ना हो कि बाद में कोई किसी प्रकार से हिंसा को बढ़ावा मिल जाए या कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार के आंदोलन में घुस जाए। हम उन लोगों के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने अश्योर भी किया है कि सारा आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा, फिर भी एहतियात के तौर पर हमने अपनी तरफ से भी इंतजाम किए हुए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।